आ ही जाएगा थोड़ा देर में। ठीक है, देखते हैं तब तक। हम लोग हीट पढ़ रहे थे, हीट में थर्मल एक्सपेंशन चल रहा था। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन में हम लोगों ने लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन देखे थे। फॉर्मूला था हमारा लीनियर के लिए, एल इजकल टू एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। वैसे ही अगर एरियल रहेगा तो ए इजकल टू इनिशियल एरिया इंटू वन प्लस अल्फा की जगह बीटा आ जाता था, जो कि आइसोट्रॉपिक के लिए टू अल्फा के बराबर रहेगा। वैसे ही वॉल्यूमेट्रिक वाले में वी नॉट वन प्लस यहाँ पे गामा हो जाता था डेल्टा टी। डेल्टा टी टेम्परेचर को थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कभी कभी टेम्परेचर को थीटा भी रिप्रेजेंट मिल सकता है। ठीक है, कहीं कहीं दो दो टी आता है तो वहां पे थीटा यूज कर लिया जाता है टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये सारे चीजें थे, ये सब फॉर्मूले हम लोगों ने देखा था। फिर देखे थे कि अगर कोई कैविटी रहता है तो भी एक्सपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे मटेरियल नहीं है तो कैविटी का जो एरिया या फिर वॉल्यूम जो भी होगा वो घटेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो कैविटी है उसका भी डायमेंशन बढ़ेगा, यानी कि हर एक डायमेंशन जो होता है, अगर हमारे पास कैसा भी शेप है तो उसका डायमेंशन इंक्रीज करता है, वो कैविटी हो या फिर ना। ये सारे चीज हम लोग देखे थे, तो उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो सिंपल से क्वेश्चन है, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन लेंथ वन मीटर आयरन रॉड है। बोल रहा है कि इफ डेल्टा टी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है एंड अल्फा जो है वो 2 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ। आ गया, ठीक है, देखते हैं। परसेंटेज चेंज इन लेंथ बोल रहा है, नहीं हमसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 पूछ रहा है। यस 0.2%। ठीक है, तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 पूछ रहा है, तो डेल्टा एल बाई एल क्या आएगा, अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 हमसे पूछा जा रहा है। कितना आ रहा है, 0.2%। ठीक है, ठीक है, हमसे एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा है कि ऐसा दो रॉड मिला के एक रॉड बना है। ठीक है, इसका हम मान लेते हैं कि अल्फा वन है, ये अल्फा टू है।
इसका लेंथ हम चलो बराबर ही मान लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा वन एंड अल्फा टू सो डेट ये हम दूसरा क्वेश्चन लग रहा है मिक्स कर दिए। ये रहने दो। ये बोल रहा है कि एक प्लेन लेमिना है, ठीक है, ये प्लेन लेमिना है, इसका एरिया दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर एट 10 डिग्री सेल्सियस। फाइंड एरिया एट 110 डिग्री सेल्सियस इफ बीटा इज इक्वल टू 2×10⁻¹⁵ पर डिग्री सेल्सियस है। तो कितना रहा है? 2.04 ठीक है, वैसा ही कुछ आएगा। सर आप बीटा क्या लिखे है? 2×10⁻¹ पर डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? 2×1+2×10⁻¹×100। ये आ रहा है ना? Yes, sir. 2.004 ठीक है। परसेंटेज चेंज, फ्रैक्शन चेंज जो भी पूछेगा हम आराम से निकाल सकते हैं। ये सॉल्व करो। एरिया 2%, वॉल्यूम 3% हो जाएगा।
परसेंटेज में है, जितना परसेंटेज लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या जो डायमेंशन है उससे ज्यादा लेना देना है? नहीं है, क्योंकि डेल्टा ए बाई ए निकाल रहे हैं, डेल्टा ए बाई ए जो है बीटा इंटू डेल्टा टी ही आ रहा है, तो उसका साइड्स जो है किस रेशियो में है क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे 100 करेंगे तो ये गामा डेल्टा टी आएगा इतना परसेंट। ठीक है, इतना परसेंट निकालेंगे तो डायरेक्टली 3% लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज है अल्फा डेल्टा टी है, अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 परसेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, अगर हमको कोई लेंथ मेजर करना हो किसी स्केल से, मेटेलिक स्केल, ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक हमारे पास स्केल है, ठीक है, कोई ऐसा मटेरियल का है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा हो, और किसी ऑब्जेक्ट को हम मेजर करना है, लेट से आयरन, अगर हम उसको कहीं पे अफ्रीका में या फिर अमेरिका में जाके मेजर करते हैं, उसको फिर इंडिया में लाके मेजर करना हो, तो दोनों जगह का टेम्परेचर डिफरेंस होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट का लेंथ चेंज हो सकता है, स्केल का लेंथ चेंज हो सकता है, ऐसे केसेस पॉसिबल हैं। यानी कि अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, लेट से दो अलग अलग जगहों पे, तो दोनों जगह टेम्परेचर सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। मे बी हम जो अमेरिका में 1 मीटर के लेंथ का कोई रॉड मेजर किए थे, तो वहां का टेम्परेचर डाउन है, तो वहां के टेम्परेचर से जब हम उसको इंडिया लाए, तो इंडिया के अगर टेम्परेचर में हम मेजर करें उसका, तो लेंथ हमको कुछ ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां का टेम्परेचर कम है, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, तो मे बी अगर हम नॉर्मल कंडीशन पे लाते हैं तो यहाँ पे कुछ एक्सपेंशन हुआ होगा। तो वही सब चीज का देखते हैं इसमें कैसे मेजर करेंगे। तो पहला केस लेते हैं कि सिर्फ जो है ऑब्जेक्ट ही सिर्फ एक्सपेंड कर रहा है, स्केल में कोई वेरिएशन नहीं है, यानी कि ओनली ऑब्जेक्ट एक्सपेंडेड। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो भी एक्सपेंशन हो रहा है वो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से ही हम देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि और किसी वजह से देखना है, सिर्फ टेम्परेचर की वजह से हम लोग यहाँ पे एक्सपेंशन देख रहे हैं। तो लेट से यहाँ पे एक हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये किसी टेम्परेचर टी नॉट पे था, अगर हम इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ा दें, डेल्टा टी कर दें, तो इसका लेंथ कुछ बढ़ जाता है। अगर हम कोई स्केल यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेट से ये कोई स्केल है, पहले ये मेजर कर रहा था, मान लेते हैं कि 3, ठीक है, ये 0 हो गया, 1, 2, 3 यूनिट मेजर कर रहा था, अब अगर इसमें एक्सपेंशन हो गया है तो ये कुछ ऐसा मेजर कर रहा होता, 3 से कुछ ज्यादा मेजर कर रहा होगा, यानी कि अगर यहाँ पे इसका लेंथ एल नॉट है, ठीक है, तो अब ये मेजर कर रहा होगा एल नॉट प्लस समथिंग कुछ पड़ गया होगा डेल्टा है। तो इस केस में हमको ज्यादा कुछ देखना नहीं है, जो हमारा फाइनल रीडिंग आ रहा होगा वो इनिशियल एल नॉट, इसको एल वन लिख देते हैं क्योंकि आगे भी हम लोग को यूज करना है, तो एल वन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इसमें और कोई चीज नहीं है, जो फाइनल रीडिंग होगा जो अब तक पढ़ते आए हैं वही चीज, ये जनरल केस है जो हमारा मैक्सिमम जगहों पे होगा, कि सिर्फ ऑब्जेक्ट में एक्सपेंशन बोलेगा, हमारे स्केल के बारे में अगर कुछ भी नहीं कहा गया है तो स्केल हमारा नॉर्मल है, उस केस में हमारा इतना फाइनल रीडिंग आ रहा होगा, यानी कि जो इनिशियल रीडिंग है उससे इतना ज्यादा आ रहा होगा। चेंज पूछेगा तो चेंज, परसेंटेज चेंज पूछेगा
तो सारा कुछ हम लोग बता सकते हैं। अभी तक जो केसेस हम लोग देख रहे थे यही केस था। मे बी हो सकता है कहे केस टू ओनली स्केल एक्सपेंस, ठीक है, इस ये बहुत कम ही रहेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट एक्सपेंड नहीं करेगा और स्केल एक्सपेंड कर जाए। तो ये केस फिर भी समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर सिर्फ स्केल एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था पहले से, ठीक है, इसी टेम्परेचर पे यहाँ पे एक स्केल था, ठीक है, ये पहले से रीडिंग 1, 2, 3, 4। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्केल में एक्सपेंशन होगा, यानी कि 1 वाला कहीं यहाँ आ गया होगा, 2 वाला यहाँ, 3 वाला यहाँ, 4 इधर कहीं आ गया होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो स्केल जो हो गया एक्सपेंड कर गया है, सिर्फ स्केल एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो रीडिंग आएगा वो हमारा यहाँ आएगा समथिंग 2 point something कुछ आएगा, ठीक है। तो ये रीडिंग कितना आएगा, कैसे लिखेंगे, ठीक है, हमको ये लेंथ लिखना है, ये लेंथ हमारा फाइनल लेंथ होगा जो रीडिंग मिलेगा, यानी कि मेजर्ड वैल्यू जो होगा, ठीक है, जो मेजर्ड वैल्यू होगा, जो एक्चुअल वैल्यू है, पहले यहाँ पे 3 रीडिंग है, अब कुछ 2 point something आएगा क्योंकि स्केल हमारा एक्सपेंड कर चुका है, यानी कि मेजर्ड वैल्यू जो है ओरिजिनल वैल्यू से तो कम होगा ही, ठीक है। इस केस में हमको दिख रहा है कि मेजर्ड वैल्यू लेस देन जो एक्चुअल वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू होना चाहिए उससे कम है। तो ये मेजर्ड वैल्यू कितना होगा वही हमको यहाँ पे बताना है। लेट से कि हम अल्फा एस बोल रहे हैं कि ये जो है स्केल का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ठीक है, अल्फा एस स्केल के लिए है, अल्फा ओ लिख दे रहे हैं ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के लिए है अल्फा ओ और अल्फा एस स्केल के लिए। तो इस केस में अगर हमको मेजर्ड वैल्यू लिखना होगा तो ध्यान से देखो, एक्चुअल वैल्यू यानी कि अगर ये हमारा एक्चुअली एल नॉट था जो यहाँ पे 3 है तो एल नॉट, अब क्या करेंगे, यहाँ ये रीडिंग देता 3 लेकिन इसमें से ये जो एक्सपेंशन हुआ है ओवरऑल एक्सपेंशन वो घट गया है, घट गया है, यानी कि ऑफ कोर्स हमने इसमें से जो स्केल वाला एक्सपेंशन था उसको घटाया है। तो इसलिए ध्यान रहे जब स्केल का एक्सपेंशन हो तो यहाँ पे हमने माइनस यूज करा है 1 - α s Δt, क्योंकि ओरिजिनल अगर हम कहते तो 3 था, 3 में से ये जो एक्सपेंशन है इसका, यानी कि ये जो चीज आया है ये क्या है, एल नॉट इंटू अल्फा एस डेल्टा टी है, एक्सपेंशन इन स्केल है, इन स्केल, यानी कि हम ओरिजिनल जो रीडिंग था एल नॉट हम बोल रहे हैं ओरिजिनल रीडिंग एक्चुअल वैल्यू, यानी कि जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है ऑब्जेक्ट का एल नॉट, उसमें से अगर हम एक्सपेंशन इन स्केल को घटा देंगे तो हमारा मेजर्ड वैल्यू मिलेगा, ठीक है, यानी कि जो रीडिंग दे रहा होगा स्केल अभी तो ये वैल्यू दे रहा होगा एल नॉट 1 - α s Δt, क्योंकि सिर्फ स्केल एक्सपेंड कर रहा है तो रीडिंग घट गया होगा, क्लियर है। जब ऑब्जेक्ट एक्सपेंड कर रहा था तो रीडिंग बढ़ रहा था, 2 से 3, 3 से 4 ऐसा बढ़ा था, लेकिन जब स्केल ही इलोंगेट हो गया, ऑब्जेक्ट उसी साइज का है, स्केल का रीडिंग बढ़ गया है, तो हमारा जो रीडिंग आएगा, मेजर्ड वैल्यू आएगा ऑफ कोर्स कम आएगा, इसलिए जो एक्सपेंशन इन स्केल है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, क्लियर। अब ऐसे है जो जनरल केस हो सकता है जो एक्चुअली में होता है, केस 3, ठीक है, कि हमारा स्केल भी एक्सपेंड करे इफ बोथ एक्सपेंडेड, ठीक है, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट भी एक्सपेंड हो और स्केल भी एक्सपेंड हो, जैसे लेट से कि हमारा ऑब्जेक्ट है, टेम्परेचर बढ़ा है ये इतना एक्सपेंड कर गया,
ये स्केल है, ठीक है। स्केल का पहले रीडिंग ये था, ठीक है, 3 ही ले रहे हैं, ये रीडिंग था। फाइनल रीडिंग जो आ रहा है ये आ रहा है, यानी कि स्केल भी ऐसा एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। स्केल भी एक्सपेंड किया है, यानी कि हमको ये रीडिंग हमको मिलेगा, जो मेजर्ड वैल्यू होगा वो हमको ये वाला वैल्यू जो मिलेगा यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है यही हमको मेजर्ड वैल्यू मिलेगा, यानी कि इस स्केल से अगर रीड करेगा तो ये वाला वैल्यू हमको रीड करके देगा। किसको हम कैसे मेजर करें, तो सिर्फ स्केल से मेजर किए होते तो हमको ये वाला रीडिंग मिलता, सिर्फ अगर ऑब्जेक्ट एक्सपेंड हुआ रहता तो ये मिलता है, यानी कि हम बोल रहे हैं एल नॉट वन प्लस अल्फा ऑब्जेक्ट डेल्टा टी, ये ऑब्जेक्ट ये डिस्टेंस था, ठीक है। वो डिस्टेंस जो है उतना है सिर्फ ऑब्जेक्ट का, ऊपर वाले से अगर हम देखें तब, छोड़ो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, यानी कि यहां से ये लेंथ, इसका अगर हम लेंथ का बात करें एल नॉट वन प्लस अल्फा ओ डेल्टा टी, ठीक है। और यहां से यहां तक का वैल्यू ध्यान से देखो तो एल नॉट वन प्लस अल्फा एस डेल्टा टी है, ठीक है। यानी कि हम ये थ्री जहां था पहले, पहले तो ये एल नॉट थ्री ही था, अभी एक्सपेंशन हुआ है तो इतना एक्सपेंशन हुआ है। तो अगर हम मेजर्ड वैल्यू लिखेंगे तो मेजर्ड वैल्यू ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू था वन प्लस, उसमें हम ये वाला ऐड कर दें और माइनस अल्फा एस डेल्टा टी कर दें, ठीक है। क्योंकि ये जो एक्सपेंशन हुआ है, ये जो रीडिंग देगा इसमें से जितना एक्सपेंशन है उसको सब्ट्रैक्ट करने पे देगा, यहां से हम लिख सकते हैं एल नॉट वन प्लस अल्फा नॉट माइनस अल्फा एस डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हमको मिलेगा मेजर्ड वैल्यू। जब स्केल को कंसिडर नहीं करना होगा तो स्केल वाले को जीरो ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा। अगर हम ऑब्जेक्ट का बात करें तो ऑब्जेक्ट वाले को जीरो कर देंगे, अगर ऑब्जेक्ट एक्सपेंशन नहीं करेगा तो सेकेंड वाला केस आ जाएगा, यानी कि जनरल केस आया, ठीक है। यानी कि अगर स्केल और ऑब्जेक्ट दोनों का एक्सपेंशन लेना होगा तो हम इस चीज से वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां अगर ध्यान दें कि इफ डेल्टा टी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तब ऐसे ही डेल्टा टी लेस देन जीरो होगा उसके लिए भी कह सकते हैं। इसमें फर्स्ट केस अल्फा नॉट ग्रेटर देन अल्फा एस ओ, तो ये वाला वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इस केस में होगा कि मेजर्ड वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू होगा, ये भी हम लिख रहे हैं एक्चुअल वैल्यू को, ठीक है। अगर वही हम बोले कि अल्फा नॉट यानी जो ऑब्जेक्ट का हम मेजर कर रहे हैं वो स्केल से कम हो तो इस केस में मेजर्ड वैल्यू जो होगा लेस देन एक्चुअल वैल्यू होगा, यानी कि हमारा जो रीडिंग मिलेगा वो कम मिलेगा। ऐसे ही टेम्परेचर लेस के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर जो है बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं उससे रिलेट करके हम इन दोनों से रिलेशन निकाल सकते हैं, तीन चार रिलेशन केसेस बना सकते हैं। तो जो मेजर्ड वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से आराम से हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा ज्यादा बढ़ेगा, कौन सा कम होगा, कौन सा कैसा क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में हम रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई भी स्केल है, मान लेते हैं स्टील का ही बना हो, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो उसमें भी एक्सपेंशन होगा, उसमें भी एक्सपेंशन होगा और अब ऑब्जेक्ट में भी एक्सपेंशन हो सकता है। तो किसी में भी अगर एक्सपेंशन हो, कितना एक्सपेंशन है, कोएफिशिएंट कितना है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो डेल्टा टी ग्रेटर देन जीरो होगा, और उसके बेसिस पे अल्फा क्या है दोनों का, स्केल का या ऑब्जेक्ट का, उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो मेजर्ड वैल्यू आएगा
पहले जो रीडिंग था, स्केल रीडिंग पहले जो था उससे ज्यादा आएगा या फिर कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक लेंथ होगा, यानी ऑब्जेक्ट के लेंथ के बारे में चर्चा होगी और एक स्केल की रीडिंग के बारे में चर्चा होगा। तो ऑब्जेक्ट का लेंथ जो है बढ़ा है, रीडिंग भले घटे या बढ़े उससे कोई मतलब नहीं, टेम्परेचर हम बढ़ाए हैं तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ा है, लेकिन रीडिंग हो सकता है कि इनिशियल से कम ही हो, मे बी कम नहीं होना चाहिए वैसे ज्यादा, लेकिन अगर रीडिंग का बात करें तो यहाँ 2 point something है, लेकिन लेंथ जो है ऑफ कोर्स दिख रहा है कि हमारा बढ़ा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम टेम्परेचर बढ़ाए साइज कम हो गया, साइज बढ़ा है लेंथ बढ़ा है लेकिन रीडिंग कम आ रहा है, तो रीडिंग अलग चीज है और लेंथ अलग चीज है, इस बात को ध्यान में रखना है। खैर न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकली तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे सॉल्व करेंगे, कंसेप्चुअली आएगा तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि रीडिंग अलग चीज है लेंथ अलग चीज है, क्योंकि यहीं पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो लेंथ बढ़ रहा है, जो हमारा रॉड है उसका लेंथ इंक्रीज कर रहा है, डायमेंशन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन रीडिंग कम आ रहा है, यानी कि स्केल भी एक्सपेंड कर गया इसलिए रीडिंग कम आ रहा है, ठीक है। तो रीडिंग और लेंथ में कंफ्यूजन नहीं रखना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं कि हम स्केल से मेजर किए 2 point something आ रहा है, यानी साइज तो घट रहा है, पहले 3 centimeter या 3 units का था अब 2 point something units, ठीक है। तो वैसे कंफ्यूज नहीं होना है, वो स्केल एक्सपेंड कर रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, ना कि लेंथ घट रहा है, लेंथ भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, कोई पेंडुलम वाला घड़ी है जो टिक टिक करते रहता है, उसी में कैसे वेरिएशन होगा? 2π/g। हाँ, तो टाइम पीरियड ये आता है, जैसे टाइम पीरियड जो आता है वो क्या आता है, 2π/lg, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर है पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड जो आता है 2π/lg। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, टाइम पीरियड टी है, ये जो टी है टाइम पीरियड है, यहाँ पे हियर टेम्परेचर को हम थीटा से लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पीरियड टी पहले से, इसलिए टेम्परेचर थीटा से। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? अगर हम राइट साइड देखें तो 2π पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी जो होता है टेम्परेचर से कोई लेना देना उसका नहीं होता है, यानी यहां से बोलेंगे कि जो लेंथ है वो क्या होगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो लेंथ इंक्रीज करेगा, लेंथ इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेंथ इंक्रीज करेगा तो लेंथ जो है टाइम पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी इंक्रीज करेगा। टाइम पीरियड पढ़ रहा है तो घड़ी फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, बताओ? स्लो, ठीक है। क्लॉक क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, यानी कि जो एक चक्कर लगाने में वो अगर मान लेते हैं कि कुछ समय लगा रहा था, अब वो टाइम पीरियड बढ़ गया, यानी कि अब ज्यादा समय लगा रहा है, यानी घड़ी जो हो गया स्लो हो गया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो टाइम पीरियड बढ़ रहा है, टाइम पीरियड बढ़ रहा है यानी घड़ी स्लो हो रहा है। अब कैसा कितना बढ़ रहा है उस चीज पे चर्चा कर रहे हैं। तो लेट से कि टी डैश जो है ये फाइनल टाइम पीरियड है, ठीक है, तो हम रेशियो ले लेते हैं टी डैश बाई टी अगर करेंगे तो 2π/g कट जाएगा, एल डैश बाई एल बचेगा। एल डैश को क्या लिख सकते हैं,
एल वन प्लस अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाई एल, एल एल कैंसिल, यहाँ से आ रहा है वन प्लस अल्फा डेल्टा टी रेज टू पावर वन बाई टू। ये वाला चीज छोटा होता है थीटा। अच्छा हाँ, ठीक है। अब अल्फा और डेल्टा थीटा दोनों छोटा वैल्यू होता है वन से, तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। तो टी डैस बाई टी को हम लिख सकते हैं कितना, वन प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। ये कैसे लिखे, तो सिंस वन प्लस एक्स रेस टू पावर एन हो, तो इसका अप्रोक्सीमेटली वन प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, जब x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा हो तो। अल्फा का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि 10 रेस्ट फॉर माइनस 4 माइनस 5 पे जा रहा है, डेल्टा थीटा 100 डिग्री 1000 डिग्री सेल्सियस तक भी चल जाएगा तब भी उतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं। फ्रैक्शन चेंज निकालना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो 1 को हम इस साइड लेते आ रहे हैं, तो दिख रहा है कि डेल्टा टी बाई t is equal to half of alpha delta theta, ठीक है। अब final पूछे, change पूछे, इससे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि time period में कितना change आ रहा है, ठीक है। यानी कि delta t change in time period जो है किस किस चीज पे depend कर रहा है, तो half alpha t delta theta पे depend। इनिशियली क्या टाइम पीरियड है उस पे भी डिपेंड कर रहा है। अभी इसमें से ध्यान रखना, मतलब डिराइव कैसे करते हैं, क्या चीज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिराइव कैसे करते हैं, एसएसएम में करेंगे उसको भी, ठीक है। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी जो है उसको एसएसएम में करेंगे हम लोग डिराइव, उसमें बहुत सारा टाइम पीरियड डिराइव करना है। फिलहाल यहाँ पे अगर हम सिंपल पेंडुलम का बात कर रहे हैं तो वहां पे जो टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी होता है, बचपन से भी याद करके रखे हैं तभी भी कुछ दिन याद करके ही रखना है। जी भी है, जी पे भी डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है वो सब भी हम लोग देखेंगे, लेकिन एसएसएम अभी नहीं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है डेल्टा टी चेंज इन टाइम पीरियड हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा आ रहा है, ऐसे में ध्यान से देखना है कि कौन सा चीज कैसा है क्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमसे पूछता है कि घड़ी फास्ट हो रहा है या फिर स्लो हो रहा है, ठीक है। घड़ी का फास्ट होना या स्लो होना पूछा जाए कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ऐसा है ऐसा है, तो बताओ घड़ी स्लो होगा फास्ट होगा, न्यूमेरिकल ही रहेगा तब तो पुट करके फाइंड कर लेना है, ठीक है। जैसे कुछ केसेस दे रहे हैं, इफ डेल्टा थीटा जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। डेल्टा थीटा ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब कि जो फाइनल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। डेल्टा थीटा अगर ग्रेटर देन जीरो है यानी कि टी डेस डेल्टा टी ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि जो फाइनल टाइम पीरियड है वो इनिशियल से ज्यादा है, टाइम पीरियड बढ़ रहा है यानी कि क्लॉक जो होगा फास्ट होगा, और बोल सकते हैं कि गेन टाइम, समय जो हो रहा है इसमें बढ़ रहा है, तो स्लो होगा, हाँ बढ़ेगा तो स्लो होगा या फिर लूजेस टाइम। ऐसे ही डेल्टा टी अगर लेस देन जीरो हो तो टी डेस लेस देन टी हो जाएगा, नहीं डेल्टा थीटा लेस देन जीरो होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लॉक फास्ट हो जाएगा, और बोल सकते हैं कि गेंस टाइम, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि घड़ी फास्ट होगा स्लो होगा क्या होगा कैसा होगा। तो टाइम पीरियड का टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी होगी, स्केल कैसे मेजर करेंगे ये चीज।
इसके बाद है कि अगर हम लोग जैसे दो रॉड, ठीक है, बोल रहे हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा स्ट्रिप है कोई भी मेटल का, इसके नीचे एक और दूसरा, हम दूसरे से ज्यादा होगा क्या, तो एक का एक्सपेंशन दूसरे से ज्यादा होगा. हाँ, मतलब अगर दो अलग अलग हम स्ट्रिप लगा दिए, ठीक है, लेट से नीचे कुछ और है, ऊपर कुछ और, थिकनेस लेट से कि सेम ही रखे हैं, डी, ठीक है, हम बहुत ही कस के इसको चिपका दिए हैं. इसका हम बोल रहे हैं कि अल्फा, मतलब एक ब्रास ले लो एक स्टील ले लो, तो अल्फा वन बोल देते हैं, स्टील ये अल्फा टू बोल देते हैं, फिलहाल लेंथ दोनों का एल नॉट है, ठीक है. लेट से कि अल्फा वन जो है ग्रेटर देन अल्फा टू, अलग अलग मटेरियल का है, अलग अलग मटेरियल का अगर हम लोग दो मेटल्स को चिपका तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई मेटलिक स्ट्रिप. क्वेश्चन में दो तीन दे सकता है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसको हम कस के चिपका के रखे हैं, तो क्या होगा बताओ. इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो हमको क्या लगेगा, ऊपर वाले में ज्यादा एक्सपेंशन, नीचे वाले में कम एक्सपेंशन. अल्फा जिसका ज्यादा है उसमें एक्सपेंशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जिसका अल्फा छोटा है, तो हमको ऐसा मिलना चाहिए. लेकिन अगर हम इसको पूरे टाइटली अगर हम दोनों को चिपका रखे हैं तो ये ऐसा नहीं होता है. क्या होता है कि जिसमें लेंथ ज्यादा एक्सपेंशन होता है वो नीचे वाले को कंप्रेस कर देता है. कंप्रेस करने का मतलब कि उसको ऐसा बेंड कर देता है, यानी कि अगर ऐसा बेंडिंग हो गया, ठीक है, ये बीच में बाउंड्री था, ठीक है, अब देखो कि अगर ऐसा हो गया, एक ऐसा अगर आर्क बना ले रहा है, तो ऊपर वाला जिसका अल्फा वन था उसमें एक्सपेंशन यानी उसका लेंथ ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, यानी कि अगर हम ऊपर वाले का लेंथ कहें और नीचे वाले का लेंथ कहें तो ऊपर वाले का लेंथ ज्यादा दिख रहा है, नीचे वाले का लेंथ कम दिख रहा है. अगर हम बोले कि ये रेडियस इसका आर बन रहा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो हम ऊपर वाले का इसका लेंथ अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम L1 बोल रहे हैं, इसको हम L2 बोल रहे हैं. L1 क्या लिख सकते हैं, तो L1 लिखेंगे क्या, ध्यान से देखो, पहले L0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T, ठीक है, जितना टेम्परेचर बढ़ा है उतना. और इसको R के टर्म में क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग R इसका सेंटर वाला लेंगे, ये D है, ठीक है, तो लिखेंगे R प्लस डी बाई टू इंटू थीटा, तब में लिख सकते हैं. वैसे ही L2 को लिख सकते हैं L0 वन प्लस अल्फा टू डेल्टा T इक्वल टू R माइनस डी बाई टू इंटू थीटा, ठीक है, क्योंकि ये भी D था, ये भी D था, और ये वाला एक्सपेंशन में हम लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं. L1, L2 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं. अब इन दोनों को अगर क्या लीनियर एक्सपेंशन मान रहे हैं तो थिकनेस को हम लोग नेग्लिजिबल ही मानते हैं, बहुत जगह वो डी जो होगा नेग्लेक्ट भी करा जाएगा, ठीक है, फिलहाल अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं. डी क्यों नहीं लिए सर, उसका तो आउटर बाउंड्री और इनर बाउंड्री दोनों तो अलग अलग है. जैसे डी में जो एक्सपेंशन है उसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, लिनियर एक्सपेंशन सिर्फ ले रहे हैं. बायोमेट्रिक स्ट्रिप है तो स्ट्रिप है, स्ट्रिप क्या कहलाता है, जैसे अगर
बहुत पतला सा ऐसा रहता है, ठीक है। तो इसका थिकनेस चौड़ाई को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, सिर्फ लेंथ को ही कंसीडर करते हैं। इसलिए ठीक है, अगर मान लेते हैं डी बाई टू क्यों लिखे, तो डी क्यों नहीं लिखे उसमें, सेंटर से लिख लिए हैं और क्या। बहुत जगह ऐसा जैसे क्वेश्चन जो मिलेंगे वहां डी रहेगा ही नहीं, ठीक है, तो उसका चिंता उतना नहीं करो। यही चीज को आर थीटा लिख के सॉल्व करना होगा, ठीक है। लेकिन डी बाई टू थीटा कैसे हुआ क्या सर, आर प्लस डी बाई टू थीटा कैसे हुआ? यहाँ सेंटर से हमने डिस्टेंस लिया है आर, ठीक है, ये थिकनेस है डी, हम ऑन एन एवरेज लेना चाहते हैं। इस वाले का लेंथ तो दोनों अलग होगा, ठीक है, इसलिए हम लोग एक बीच वाला लेंथ ले ले रहे हैं। यहाँ भी एक अप्रोक्सीमेशन ही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का दोनों का लेंथ सेम नहीं होगा, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज निकालने के लिए हम लोग सेंट्रल लाइन से इक्वल करके लिखे, ठीक है। एक्चुअली में डिफरेंट रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन में हम लोग इक्वल रखे, ठीक है। अब यहां दोनों को अगर रेशियो ले लेंगे तो यहां से हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी बाई 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी इक्वल टू आर प्लस डी बाई 2 बाई आर माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो इसको कंपोनेंटो डिपेंडो लग रहा है। अब जैसे भी लग रहा है मैथ है, सॉल्व कर लेना आर का वैल्यू। तो आर का वैल्यू समथिंग आता है डी बाई अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू डेल्टा थीटा। सो थीटा रेडियंस में ना? हाँ, थीटा रेडियन में। आई थीटा ये डेल्टा टी रह गए यहाँ पे, थीटा तो कट गया है, यहाँ रेशियो लिए हैं तो थीटा थीटा कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो कनकेव साइड में रहेगा। अगर हम साइड्स का बात करें तो ये साइड को बोलते हैं कनकेव, इस साइड को बोलते हैं कन्वेक्स, ठीक है। यानी कि जिसका अल्फा ज्यादा है वो किस साइड रहेगा, कन्वेक्स साइड, जिसका अल्फा कम है वो कनकेव साइड। ठीक है, यानी कि अल्फा जिसका ज्यादा है वो कन्वेक्स की तरफ, जिसका अल्फा कम है वो कनकेव की तरफ। इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है, तो यूजेस में जैसे कि एक टेम्परेचर मेजर करने के लिए या फिर कनेक्शन के लिए ऐसा लगा होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर, अगर हम हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर जो यूज करते हैं, जैसे कि बर्निंग रॉड है, मोल्टन रॉड, उन सब का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए, तो वहां पे ये सब चीजें यूज होती हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे बायमेटलिक स्ट्रिप ऐसा लगा होता है, ये सब जानते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर चेंज होने से, जैसे इसमें लेंथ में इसका चेंज आता है, ये बायमेटलिक स्ट्रिप है, इसमें यूज होता है। या फिर ये जो एमसीबी आता है हम लोग का, एमसीबी जो ट्रिप हो जाता है वोल्टेज बढ़ने घटने से, बढ़ने से ट्रिप हो जाता है, तो उसमें भी ये चीज यूज हुआ रहता है कि अगर हम टेम्परेचर, तो करंट बढ़ गया तो हीट होगा, हीट होगा यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वहां पे कनेक्शन छोड़ने के लिए ये चीज लगा होता है, ठीक है। वहां पे दो दो फंक्शन होता है एमसीबी में, एक तो मैग्नेटिक वाला इफेक्ट यूज होता है, दूसरा ये बायमेटलिक स्ट्रिप लगा होता है, ठीक है, एमसीबी में भी यूज होता है, ठीक है।
इसके बाद है कि अगर हम लोग किसी रॉड को हीट कर रहे हैं, उसके लेंथ में चेंज हो रहा है, लेंथ में अगर चेंज हो रहा है तो क्या उसमें स्ट्रेन डेवलप हो रहा है? स्ट्रेन हम लोग बोलते थे डेल्टा एल बाई एल, तो वही हम लोग देख रहे हैं थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस या स्ट्रेन की बात किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि अगर किसी रॉड का लेंथ चेंज कर रहे हैं तो एल बराबर आ रहा है एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां से अगर हम लिखें तो डेल्टा एल बाई एल जो होता है यही स्ट्रेन होता है। ठीक है, स्ट्रेन अगर हमको लिखना होता है तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, यही था डेफिनेशन। अगर लेंथ से हम कंपेयर कर रहे हैं, बाकी एरिया वॉल्यूम से भी वैसे ही कर सकते हैं, तो लेंथ के लिए अगर लिखे तो डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू स्ट्रेन है। तो डेल्टा एल बाई एल ध्यान से देखो तो दिख रहा है हमको अल्फा डेल्टा टी, तो स्ट्रेन हमको मिल रहा है अल्फा डेल्टा टी। वैसे ही अगर स्ट्रेस लिखे तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है गामा इंटू स्ट्रेन, तो इसको हम लिख सकते हैं गामा अल्फा डेल्टा टी। ये ध्यान रहे कि यहाँ पे जो हमने गामा यूज करा है ये यंग्स मॉडुलस है, क्योंकि इस चैप्टर में भी एक गामा हम लोग यूज कर रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सटेंशन के लिए, तो वो चीज ये गामा नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ यंग्स मॉडुलस है, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। ये तो था फॉर्मूला के बेसिस पे। लेट्स से ठीक है, यहाँ पे एक रॉड है ऐसा, इसी के बीच में ऐसा लगा हुआ है, इसका लेंथ मान लेते हैं एल नॉट, टेम्परेचर टी, टी नॉट। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका लेंथ एक्सपेंड करना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका लेंथ बढ़ना चाहिए, लेंथ बढ़ना चाहिए, लेकिन इधर तरफ हम वाल या सपोर्ट लगा रखे हैं तो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। एक्सपेंड अगर वो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ से, यानी कि अगर हम इसमें बोल रहे हैं कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, तो हमारा वाल जो है वो तो वही है। ठीक है, ये जो हमारा रॉड है ये भी इतना ही में होना चाहिए था, लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका लेंथ इतना हो जाना चाहिए था। ठीक है, यानी कि ये लेंथ कितना हो जाना चाहिए था, एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाना चाहिए था। लेट से कि ये टेम्परेचर टी नॉट प्लस डेल्टा टी कर रहे हैं, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए हैं तो फाइनली उसका लेंथ इतना होना चाहिए था, लेकिन है कितना, एल नॉट लेंथ। ठीक है, क्यों है? तो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे जो वाल है इस पे दोनों तरफ से ऐसा कंप्रेस कर रहा होगा, यानी कि इस रॉड में एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से लेंथ चेंज होने नहीं दे रहा है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन हम यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं ये बात ध्यान से देखना है। ठीक है, स्ट्रेन क्या है, तो यहां से हमको कंसिडर कैसे करना है इस प्रोसेस में ऐसे, क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिनल लेंथ जो है ये है, इस टेम्परेचर पे, फाइनल टेम्परेचर पे उसका लेंथ ये होना चाहिए, लेकिन है कितना, एल नॉट। ठीक है, हम लोग जो लिखते थे क्या लिखते थे, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन होता है, फॉर्मूला बेसिस पे जो आया हो ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पे अगर दोनों तरफ से इस पे फोर्स वाल लगा रहा है, यानी कि उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, हम डेल्टा एल लिखना चाहते हैं तो कौन सा डेल्टा एल लिखे? ध्यान से देखो कि फाइनली इसके पास जो लेंथ था वो एल नॉट, यानी कि ये वाला चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल लेंथ, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इनिशियल लेंथ।
क्यों? क्योंकि फाइनल इस टेम्परेचर पे उसका लेंथ जो है इतना होना चाहिए था, लेकिन है कितना? एल नॉट। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रेंथ जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, जो कुछ भी लिखेंगे, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल इनिशियल, और ये सारा कुछ एट न्यू टेम्परेचर। ठीक है, न्यू टेम्परेचर पे सारा कुछ लिखेंगे। एल इनिशियल किसको लिख रहे हैं? जो एक्सपेंडेड वैल्यू। ठीक है, एल इनिशियल किसको बोल रहे हैं? नेचुरल लेंथ को, जो कि उस टेम्परेचर पे होना चाहिए। एल इनिशियल को बोल रहे हैं नेचुरल लेंथ ऑफ रॉड एट न्यू टेम्परेचर। ठीक है, नए टेम्परेचर पे जितना होना चाहिए उसको एल इनिशियल बोल रहे हैं, और एल फाइनल बोल रहे हैं जो कि लेंथ है। ध्यान से देखो, तो अगर हमको स्ट्रेन लिखना होगा तो स्ट्रेन क्या लिखेंगे? एल फाइनल यानी एल नॉट माइनस एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये चीज आएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी बाई एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। एल नॉट गया। ठीक है, यानी कि एक्चुअली में जो स्ट्रेन आ रहा है ये चीज आ रहा है। एक्चुअल में, लेकिन बट हम लोग क्या करते हैं कि अल्फा जो है बहुत छोटा है, अल्फा और डेल्टा टी बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग नेगलेक्ट करके माइनस अल्फा डेल्टा टी ही लिख लेते हैं, जो कि ऊपर फॉर्मूला से आया था। ठीक है, यानी कि यहां से जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये अप्रोक्स वैल्यू है। ये इस वजह से है क्योंकि अल्फा डेल्टा टी को हमने नेगलेक्ट करा है, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी को हम वन मान रहे हैं, तब जाके इतना वैल्यू आ रहा है। निगेटिव से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेंथ जो है घट रहा है। इस बात का ध्यान रखना है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही चीज यूज करना है, अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें बोलेगा कि नेग्लेक्ट नहीं करना है, तो उसमें हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में नेग्लेक्ट होना ही है, क्योंकि अल्फा 10 रेस टू पावर माइनस 5, डेल्टा टी 100, यानी कि 0. मान लेते हैं कि अल्फा जो है 10 रेस टू पावर माइनस 5, डेल्टा टी जो है 100, तो नीचे क्या आएगा? 1 प्लस 0.001, क्या फर्क पड़ जा रहा है? इसलिए हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ऊपर वाले को रखते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पे एक रॉड है एल लेंथ का, इसका अल्फा एक्सपेंशन है, टेम्परेचर चेंज इंक्रीजेस बाय डेल्टा टी, फाइंड स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस गामा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आइया हेलो।
हेलो। सुद्धू और अरविंद आ गया। हाँ? क्या दो आ गया? स्टेनिस में कितना आ रहा है बताओ? नहीं आ रहा है। क्वेश्चन हाँ एक्सप्लेन करिए ना, क्वेश्चन ये है डिस्कनेक्ट हो कि गए थे अभी। एक पहला ऊपर वाला, नीचे वाला अभी एक्सप्लेन कुछ नहीं किए हैं। ऊपर वाले में है कि एक रॉड है, जैसे कि अगर मान लेते हैं घर में रॉड लगा होता है, वैसे ही एक रॉड लगा हुआ है। अगर टेम्परेचर डेल्टा टी से हम बढ़ा दे रहे हैं तो इसमें स्ट्रेन और स्ट्रेस कितना डेवलप होगा वो फाइंड करना है। स्ट्रेन अल्फा डेल्टा टी होगा। दोनों जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रॉड जो है वो फ्री टू एक्सपेंड है, ठीक है? अगर रॉड फ्री टू एक्सपेंड है यानी कि उसमें कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है यानी कि मॉलिक्यूल फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है, जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होना चाहिए था, क्योंकि स्ट्रेस जो आता है वो उसी से आता है, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है तो स्ट्रेस जीरो, स्ट्रेन जीरो। जो तुम क्वेश्चन भेजे हो उसमें भी एक रफ सरफेस पे एक रॉड रखा हुआ है, उसको हीट कर रहे हैं, तो वहां भी है फ्री एक्सपेंशन है। तो जब भी फ्री एक्सपेंशन होगा तो वहां स्ट्रेन और स्ट्रेस जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि स्ट्रेस का कंसेप्ट तभी आता है जब रिस्टोरिंग फोर्स हो, और जब वैसा होगा तब भी जाके स्ट्रेन भी डेवलप होगा। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे है कि एक आयरन का रिंग है, ठीक है? आयरन का रिंग है जिसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर है। एक वुडन व्हील है, चक्का है, मान लेते हैं पहिया है, किसी बैलगाड़ी है, किसी चीज का, उसमें ये रिंग को ऊपर चढ़ाना है, ठीक है? देखे होगे कि अगर व्हील होता है वुडन का, उसके ऊपर से एक रिंग शेप का, प्लेट शेप का लगा होता है व्हील पे, तो वही चीज है। ये 20 डिग्री सेल्सियस पे ये सारा कुछ यानी रूम टेम्परेचर पे सब कुछ रीडिंग दे रखा है। हमसे पूछ रहा है टू व्हाट मिनिमम टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड टू फिट रिंग ऑन व्हील, ठीक है? अल्फा हाँ दे रहे हैं।
सर व्हील का अल्फा, व्हील को थोड़े एक्सपेंड करेंगे, क्वेश्चन नहीं समझे, व्हील पे हमको इसको रिंग को चलाना है, इसका डायमीटर कम है उसका डायमीटर ज्यादा है, क्या आवाज नहीं आ रहा है, उसमें डाल दिए उसके बाद कर रहे हैं। बी का आंसर जीरो होगा, बी का आंसर जीरो होगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो फिर उसमें कहां से स्ट्रेन डेवलप होगा, रीस्टोरिंग तो नहीं लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन वो फ्रीली कर पा रहा है क्या, बोलो अगर वहां पे व्हील नहीं लग रहा होता, 193.6 टेम्परेचर, यस सर टेम्परेचर 298 दे रखा है, देखते हैं क्या आता है, ए में अगर देखे तो डेल्टा एल का हमको क्या रिक्वायरमेंट होगा बताओ, इसका डायमीटर 15 है, अगर डायमीटर हम 15.05 कर देंगे मिनिमम, उससे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होगा लेकिन मिनिमम के केस में हमको क्या दिख रहा है, ये 0.05 सेंटीमीटर दिख रहा है, ठीक है, एल इनिशियल कितना है तो 15 सेंटीमीटर, हमको डेल्टा टी चाहिए तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल इंटू अल्फा, यानी कि 0.05 हम सेंटीमीटर में ही रख रहे हैं क्योंकि ऊपर नीचे आ जा रहा है, इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू दे रखा है 12 इंटू 10 का पावर 6 पर डिग्री सेल्सियस है, तो नीचे आ जाएगा 103, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा है 36, तो 4 हो जाएगा 100, ठीक है इसको सॉल्व कर लो और क्या 925, अप्रोक्सीमेटली 278 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये क्या आया है हमारा डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर इतना आ रहा है तो फाइनल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टी इनिशियल प्लस 278 यानी कि 298 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अब स्ट्रेन का बात है, जब हम रिंग को व्हील पे चढ़ा दिए तो अभी जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा यानी डेल्टा एल तो वही है फाइनल लेंथ हो जाएगा
जो पहले था तो उससे हम लोग फाइंड कर लेंगे। कितना जा रहा है? जीरो पॉइंट थ्री थ्री समथिंग इंटू 10^-3। ठीक है, ये सब चीजें हैं वेरिएशन ऑफ, जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो लेंथ में क्या क्या वेरिएशन हो रहा है। सुने होंगे कि रेलवे पटरी जो होता है, ठीक है, रेलवे ट्रैक जो होता है उसके बीच में ऐसे गैप दिए जाते हैं। जैसे अगर हम देखें तो इस तरीके का जो एक्सपेंड ताकि समय में एक्सपेंड करे, ठीक है, ऐसा जो गैप दिया जाता है बीच बीच में, तो जैसे एक्सपेंड कर रहा है ऐसा रॉड है, ये भी अगर हम सटा के रखें दोनों में तो ये भी एक्सपेंड करेगा, ये भी एक्सपेंड करेगा, तो एक्सपेंड करेगा लेंथ, अगर हम उसको अलाउ नहीं करेंगे एक्सपेंड करने के लिए तो क्या होगा, ये ऐसा मुड़ जाएगा, टूट जाएगा। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि यहीं पे रॉड है, इसको हम हीट करते जाए तो बाद में क्या होगा, वैसा कुछ शेप बना लेगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो इसी वजह से वहां गैप होता है। ओवर ब्रिज या रोड ये सब चीजें जो बनती हैं उसमें भी गैप दिए जाते हैं, उसमें भी रॉड लगा होता है, सीमेंट ये सब चीज लगा होता है, तो वहां भी हीट से थोड़ा बहुत एक्सपेंशन का चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसमें भी अगर हम गैप ना दें, एक्सपेंशन का जगह ना दें, तो वहां भी दिक्कत आएगा। फिर ये बोला जाता है कि जो वायर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें बिजली जाता है, वायर जो होता है वो भी अगर गर्मी के सीजन में हम लगा रहे हैं तो थोड़ा बहुत लूज लगाते हैं। ठीक है, लूज इसलिए लगाते हैं क्योंकि विंटर के सीजन में टेम्परेचर डाउन होगा तो उसका लेंथ थोड़ा सिकुड़ेगा, कम होगा, लेंथ कम होगा तो टाइट होगा, टाइट होके टूट ना जाए इसलिए। ठीक है, तो बहुत जगहों पे इसका एप्लीकेशन है कि अगर हम लेंथ को टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो लेंथ में चेंजेज आ रहे हैं तो उससे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, उस इफेक्ट्स को कम करने के लिए ये सारे चीज किए जाते हैं, जैसे रेल का हो गया, बिजली के वायर हो गए उसमें हो गया, ब्रिज के बीचेस में गैप छोटे छोटे टुकड़े करके ब्रिज बनाना, बहुत जगहों पे ऐसे जहां जहां भी आयरन यूज होता है या फिर ऐसे केसेस पॉसिबल है वहां पे यूज होता है, ये छोटे छोटे बातों को भी ध्यान में रखा जाता है। अगर इसको नहीं रखेंगे तो फिर चल के दिक्कत होगा। ठीक है, तो वहां पे हम लोग ये सब चीजें यूज करते हैं। अब अगर हम देखें कि अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो लेंथ में चेंज देख लिए, एरिया में भी चेंज होता है, वॉल्यूम में भी चेंज होता है, तो डेंसिटी जो होता है उसमें चेंज होगा या नहीं, तो वहां पे अगर हम डेंसिटी का बात करते हैं, यानी कि हम वही देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, विथ टेम्परेचर, तो हम जानते हैं कि डेंसिटी अगर रो लिख रहे हैं तो रो जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मास जो होगा ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, ये क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मास जो होता है हर जगह क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वॉल्यूम जो है इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। तो अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो ऑफ कोर्स ये डेंसिटी भी चेंज होगा, इनवर्स का रेशियो है यहाँ पे। तो अगर हम वॉल्यूम डिक्रीज कर सकता है टेम्परेचर विथ टेम्परेचर, कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज भी कर सकता है। कैसे?
से पानी। अच्छा वो तो अलग केस हो गया, एनोमलस केस हो गया, ठीक है। वो डेंसिटी भी उसका वैसे ही वेरी करेगा, जनरल केसेस बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरली अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, तो अकॉर्डिंगली डेंसिटी भी होगा। तो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो डेंसिटी को क्या कहेंगे कि डिक्रीज होगा विद टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर हम डेंसिटी लिखना चाहें, नया डेंसिटी, लेट्स से ये रो नॉट है, तो हम अगर रो लिखने सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वी, वी को क्या लिखेंगे, वी नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है। एम बाई वी नॉट जो है वो रो नॉट है, तो रो नॉट बाई वन प्लस गामा डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये वाला चीज तो कमी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस गामा डेल्टा टी, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, ये ओरिजिनल वाला। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस गामा डेल्टा टी रेस टू पावर माइनस वन। तो यहाँ पे रेस टू पावर अगर माइनस वन है तो बाइनोमियल जो अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज करते हैं उससे ये चीज लिख सकते हैं। तो रो जो होगा रो नॉट वन प्लस वन माइनस गामा डेल्टा टी होगा, यानी कि जैसे जैसे अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं डेंसिटी जो होगा वो घट रहा है, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर रहे हैं, गामा जो है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, इस बात को ध्यान रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। वाटर वाला केस में कर रहे हो तो वाटर वाले केस में हम लोग जानते हैं बिहेवियर एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसका जो डेंसिटी आता है, अगर हम टेम्परेचर इधर कर लें, इधर हम डेंसिटी का बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ इसका कर्व आता है, यानी कि जो मैक्सिमम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है, 1 ग्राम पर सीसी। ये जो होता है 0.99 समथिंग होता है, बहुत कमी का अंतर है, 98, ठीक है। यानी कि अगर हम देख रहे हैं कि 0.4 डिग्री सेल्सियस से अगर हम टेम्परेचर घटा रहे हैं तब भी डेंसिटी जीरो तक घट रहा है, बढ़ा रहे हैं तब भी टेम्परेचर घट रहा है, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसमें जो वेरिएशन आ रहा है डेंसिटी का, इसको हम लोग बोलते हैं कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है, ठीक है। ये बोला जाता है बहुत सारा, हाँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H2O होल ट्वाइस एंड H2O होल थ्राइस, ठीक है। ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो इन्हीं सब की वजह से डेंसिटी में वेरिएशन आता है, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो चीजें हैं सबका डेंसिटी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग आता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये सारे चीजें जो होते हैं वाटर में मौजूद होते हैं, सबका डेंसिटी अलग अलग है। तो ओवरऑल जो हम वाटर में मान रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उस वाटर का हम ओवरऑल एवरेज डेंसिटी का बात करते हैं, इस वजह से ये चेंजेस आते हैं। तो वाटर जो होता है एनोमलस बिहेवियर शो करता है, यानी कि 4 डिग्री से बाकी सब जो कम मटेरियल है उन सब में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी घट रहा है, टेम्परेचर घटा रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। 4 डिग्री से ज्यादा करेंगे तब भी घटेगा, 4 डिग्री से कम करेंगे तब भी घटेगा डेंसिटी। डेंसिटी जैसा अकॉर्डिंग है वैसे ही वॉल्यूम भी हम कह सकते हैं, 4 डिग्री से ज्यादा है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम अकॉर्डिंगली, अगर डेंसिटी घट रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, वैसे ही इधर, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग चेक कर सकते हैं कि वॉल्यूम और डेंसिटी में रिलेशन हमको पता है कि डेंसिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है।
डेंसिटी जैसे चेंज हो रहा है वैसे ही वॉल्यूम चेंज हो रहा है। यही जो रीजन है कि ठंडियों के सर्दियों के दिनों में भी जो एक्वेटिक लाइफ्स हैं, जो बोलते हैं कि क्या कहते हैं, मछली हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जहां पे फ्रीज हो जाता है वाटर, वहां भी वो लोग टेम्परेचर निगेटिव में भी चला जाता है तब भी वो लोग रह लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम डेंसिटी का बात कर रहे हैं, या फिर चलो डेंसिटी का ही बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी अगर हम टेम्परेचर घटा रहे हैं, लेट से कि 20 डिग्री से 20 डिग्री से हम 4 डिग्री तक जा रहे हैं, अगर हम 20 डिग्री से 4 डिग्री जा रहे हैं, तो यहाँ दिख रहा है कि डेंसिटी जो है इंक्रीज कर रहा है। ऑफ कोर्स अगर ये हमारे पास वाटर है, इधर एयर है, एटमॉस्फेयर है, तो टेम्परेचर इधर का ही पहले डाउन होता है। तो यहाँ सरफेस का, वाटर का हम बात कर रहे हैं, तो इसका डेंसिटी जो है बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, यानी कि सरफेस का वाटर नीचे जा रहा है और नीचे वाला वाटर ऊपर आ रहा है, ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जब टेम्परेचर 4 डिग्री से 0 डिग्री तक जा रहा है, इस समय टेम्परेचर जो हो डिक्रीज, डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज कर रहे हैं, तो अब इस केस में जो सरफेस पे वाटर है वो अब फ्रीज होना शुरू हो जाएगा और ऊपर ही रह जाएगा, आइस फॉर्म कर जाएगा। आइस का भी डेंसिटी वाटर से कम होता है, तो सरफेस पे ही आइस बनते जाएगा, नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बरकरार रहेगा, क्योंकि जो मिक्सिंग का प्रोसेस था ये रुक गया है। ठीक है, यानी कि 20 या कितना से भी हम 4 डिग्री जब आ रहे हैं, उस दौरान जो मिक्सिंग ऑफ वाटर था ये रुक गया है। मिक्सिंग यानी कि नीचे वाला पानी ऊपर, जिसका डेंसिटी कम है ऊपर आ जा रहा था, ऊपर जो डेंसिटी हायर होते जा रहा था वो नीचे, यानी कि हम मिक्सिंग हो रहा था। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री हो गया, उसके बाद अगर हम टेम्परेचर लो कर रहे हैं, तो जो फ्रीज मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी सरफेस पे जो वाटर है उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, लेकिन वो वहीं का वहीं रह जा रहा है, तो मिक्सिंग नहीं हो पा रहा है। तो पहले जो टेम्परेचर डाउन हो रहा है वो सिर्फ ऊपर वाले सरफेस का, और वहीं पे फ्रीजिंग हो रहा है, नीचे का जो पानी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे बरकरार रह रहा है। और ऐसे होने से जो है नीचे जो एक्वेटिक लाइफ है 4 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, देते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जिस जो कि डेंसिटी में चेंजेस हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी से बेस्ट देखेंगे कि अपरेंट एक्सपेंशन, अगर लिक्विड है किसी कंटेनर में तो लिक्विड का एक्सपेंशन होगा, फिर कंटेनर का भी एक्सपेंशन होगा, तो कब क्या होगा, कैसा होगा, वो सब चीजें। फिर बायोन्सी, बायोन्सी फोर्स जो है उसमें क्या डेंसिटी यूज हो रहा है, तो उसमें भी फोर्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का, तो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। वो हो जाएगा तो फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, केटीजी। तो नेक्स्ट क्लास में केटीजी शुरू हो जाएगा, केटीजी का बेसिक ही हो पाएगा जहां तक हमको लग रहा है, बेसिक यानी जो एजम्पशंस है वो, और प्रेशर कैलकुलेशन। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू टू।